अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ महीना पहले हमने अमृत नगर से सटे शिवाजी नगर के ऊपर जो एक इलाका है दुर्गा देवी मंदिर के पास, भैयावाड़ी इलाका जिसे कहा जाता है, जो बाईपास से सटा हुआ है, वहाँ की पानी की समस्या आपको बताई थी। एकमात्र कुआं था जो लगभग 500-600 परिवारों को पानी वहाँ से मिलता था। ये कुआं धस गया अचानक, आज तक इस कुएं का काम नहीं हो पाया। क्या स्थिति है, क्या हालात है, वो फिर एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद इसी के नीचे का जो इलाका है, शिवाजी नगर से सटा हुआ ये इलाका, यहाँ पर एक नाले की स्थिति क्या है और क्या हालात है वहाँ पर गंदगी के। हालांकि गंदगी के लिए जो है लोग, स्थानीय जो लोग हैं वही जिम्मेदार हैं, वही कचरा फेंक रहे अपने बिल्डिंगों के बीच के पैसेज में, पीछे की गलियों में, बिल्डिंगों से सटे हुए नालों और गटरों में। कोई बाहर से कचरा लाकर नहीं डालता है, खुद मकामी लोग डालते हैं, लेकिन नाला कैसे बनना चाहिए था, कहाँ से घूमना चाहिए था, उसको लेकर के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। पाल अंकल है एक यहाँ पर, अरुण पाल, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि नगर सेवक चोर है। क्यों कहा पाल अंकल ने ऐसा, तो आप देखिए क्या नजारा आपको देखने मिल रहा है, जिसको लेकर के पाल अंकल मजबूर हो गए वर्तमान नगर सेवक और पूर्व नगर सेवक दोनों को चोर कहने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बारे में अरुण कुमार पाल करके है, पाल अंकल से सब जानते हैं। यहाँ पर मैं 42 साल से रहता हूँ। यहाँ पर मैं बुरा गटर बटर सब सफाई था, एक नंबर सफाई था, एक नंबर सब कुछ काम था। यहाँ पर बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया, बना के चला गया और उसको गटर है ना, गटर पहले दूसरा जगह था, ये गटर कभी नहीं बनाया, ना सालू ने बनाया, ना मैन ने बनाया, कोई इसी ने बनाया नहीं, सब चोर लोग हैं। ये दोनों का नाम लिया, ये दोनों कौन है? कौन सानू नगर सेवक है। अच्छा, और दूसरा जो नाम दूसरा नगर सेवक दूसरे है दोनों। अच्छा। मैन भाई। अच्छा, सब लोग आगे गटर कोई नहीं बनाया है, कुछ नहीं काम किया है, कुछ भी काम हमारे इधर का कुछ नहीं गटर बनाया है, कुछ नहीं काम किया है। अच्छा, समझ गए कि नहीं? तो आपको ये गंदगी की वजह से क्या तकलीफ पेश आती है? तकलीफ बोलेगा तो हमारे को डेंगू की बीमारी हो गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती थे, इधर दो बच्चे लोग बीमार हो गए थे, बोलो ना, बच्चे लोग बीमार हो गए थे। इनकी घर वाली बिचारी है, इतना रोड रोजाना साफ करती है और गटर बहता रहता है, गटर के ऊपर फल्ली ईटा रख रख के आदमी काम चलाता है। म्यूनसिपालिटी वाले को बोलने पे थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा हल्का सा सहारा हटा देते हैं, हटा के फिर बाद में पानी चला जाता है, फिर चले जाते, दिन भर पानी बहता रहता है। ये तकलीफ कितने साल से? ये तकलीफ आपको कितने साल से? अरे बहुत दिन से है, जब से बिल्डिंग बना है और जब से वो ये बना है, क्या बोलते हैं, गटर बना है, कब तक गटर तब से बना है, तब से ये डिवाइड करने के बाद ये ना गटर चेंज किया इसने। अच्छा। हमने बोला सीधा स्ट्रेट रहे दो, स्ट्रेट रह के घुमाओ करके, नहीं माने, गटर चेंज कर दिया। गटर चेंज करने की वजह से पानी का फ्लो नहीं जाता और ये मलवा कचरा बचरा होने की वजह से तकलीफ है। अच्छा। ऐसा कोई नियम बनाया जाए कि कचरा फेंकने वाले को 500 रुपया दंड रहे, तब आदमी थोड़ा सा समर करेगा, समझे कि नहीं? और कचरा है ये और बगल वाले और ये बच्चे लोग बेचारे लोग साफ करते हैं, जलाते हैं, यहाँ सब काम करते हैं। और ये फली रखा गया है ना, ये फली रखा गया गटर का पानी जब ऊपर हो जाता है, ये फली रखा गया है गटर का पानी ऊपर हो जाता है, तो ऊपर हो जाता है तो फली रख के ऊपर से आदमी लोग आते जाते हैं। अच्छा। नमाज पढ़ने वाले इधर पढ़ने वाले जो रहते हैं, पूजा पाठ करने वाले इसी रस्ते से आते हैं, इसी रस्ते से जाते हैं, यहाँ कचरा का ढेर हो जाता है, यहाँ कचरे का ढेर हो जाता है, समझे कि नहीं? और रोजाना मयूर देखता है, मयूर देखता रहता है, यहाँ का नया नेता मयूर है। अच्छा। मयूर देखता रहता है कि क्या है क्या है, सब आदमी लोग भाग जावे यहाँ से, छोड़ छाड़ के भाग जावे, मैं राजपाट करूँ। अच्छा। मयूर सस्ता है, सब आदमी भाग। ये मयूर कौन है? मैं? ये मयूर कौन है? मयूर यहाँ का बड़ा भारी नेता है, यहाँ का कार्यकर्ता मयूर है, नगर सेवक। गंदगी की वजह से इधर सब बीमारियां फैली, इधर कोई भी नहीं दिखता है, कोई नहीं दिखता है, कोई नहीं देखता इधर, इतना गंदा था दो दिन पहले कि क्या मैं बोलूं, कीड़े बीड़े सब दीवार के ऊपर चढ़ते थे, मतलब इस गंदगी की वजह से जो कीड़े होते थे वो आपकी दीवारों में घरों में आते थे। तो इधर के नगर सेवक वगैरह साफ सफाई नहीं करते? कोई नहीं कुछ भी करता, जिसकी वजह से यहाँ ज्यादा बीमारी फैलती है। मेरे को खुद भी बीमारी हुई है, बीमारी हुई है, बीमार हो गया, डेंगू की बीमारी हुई है, कैंसर हुआ है मेरे को, थक गई है। यहाँ पर बहुत जन को म्यूनसिपालिटी में कंप्लेंट भी की, आते लोग खाली देख के चले जाते। अच्छा,
बाकी कुछ नहीं करते, आते अपना फल्ली उठाएंगे, सलिया डालेंगे, हमको सीधा बोल देते गटर हमको साफ नहीं होएगा। अच्छा अच्छा अब बोल के निकल जाते हैं।